इस क्वेश्चन में इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर दिया हुआ है 60 मीटर। तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मान लेते हैं ए बी सी। इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर कितना है? 60 मीटर। सो पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वलेंट टू 60 मीटर। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल किसे कहते हैं? जिसके सारे साइड्स इक्वल हों। तो ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल, तो ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी ए। तो पेरीमीटर क्या हो गया? 3 इंटू साइड इक्वलेंट टू 60 मीटर। इसलिए साइड इक्वल टू क्या हो गया? साइड इक्वल टू 60 बाय 3 इक्वल टू 20 मीटर। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या हो गया? एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्वल टू रूट 3 डिवाइडेड बाय 4 इंटू साइड के होल स्क्वायर। यही फॉर्मूला होता है। तो बराबर क्या होगा? रूट 3 बाय 4 इंटू 20 के होल स्क्वायर बराबर रूट 3 बाई 4 इंटू 20 इंटू 20, 4 से 20 कट गया 5। इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 100 रूट 3 मीटर स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 100 इंटू 1.732, अगर इसका वैल्यू बैठाएंगे रूट 3 का तो मीटर स्क्वायर बराबर हो गया 173.2 मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल और इसके बारे में अगर हम जानेंगे तो क्या होता है? प्रत्येक एंगल कितने का होता है? 60 डिग्री का होता है। ईच एंगल इज ऑफ 60 डिग्री और सारे साइड एक दूसरे के बराबर होते हैं। ए बी इक्वल टू ए सी इक्वल टू बी सी और एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू 60 डिग्री ये होता है।